अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप्स हो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज एक फिर वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ बैंकिंग लोन के हवाले से। बैंक ऑफ इस्लामी बैंक जो है, ये इस्लामी असूलों पे कायम है और ये हमें बगैर सूद के कर्जा फराहम करता है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए और बहुत सारे मजीद पर्पजेज के लिए। घर बनाने के लिए 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक ये कर्जा फराहम करता है, जो कि बिल्कुल सूद से पाक होता है और आपने वापस ज्यादा से ज्यादा 25 सालों के अंदर वापस करना होता है। तो इसकी तमाम तफसीलात देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी तमाम सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं वो तमाम सवालात इसमें क्लियर हो जाएं और आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि अर्निंग एंड लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा कि सब्सक्राइब जैसे आप करेंगे तो एक घंटी का इस तरह का निशान आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको हर आने वाली नई वीडियो का मैं नोटिफिकेशन भेज दूंगा कि नई वीडियो आ चुकी है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और बाकी भी आप देखना चाहते हैं तो बाकी तमाम बैंकों के मैंने क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या शरायतें कर्जे की, वो भी यहाँ पे शेयर की हुई है, तो आप मेरा चैनल भी विजिट कर लें। YouTube के ऊपर पैसे कमाने का कोर्स भी मैंने फ्री में अपलोड कर दिया, ये भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों असल बात की तरफ कि बैंक इस्लामी जो है, बैंक इस्लामी किस तरह कितना हमें देता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसका सबसे पहले जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मतलब ये है कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो पहले नंबर पे पाकिस्तानी होना चाहिए। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो पाकिस्तानी होना चाहिए। सिटीज, ऑल मेजर सिटीज वेयर BIPL ब्रांच एग्जिस्ट, BIPL ब्रांच बैंक ऑफ इस्लामिक जो है, जहां जहां पे भी है वहां वहां पे इसकी फैसिलिटी मौजूद है। कहां कहां पे है बैंक, आप लोगों सोच रहे होंगे कि पता नहीं हमारे शहर में है या नहीं है, तो ये यहां पे ATM एंड ब्रांचेस, यहां पे इन्होंने तमाम ब्रांचों का एड्रेस दिया हुआ है, किस किस शहर में ब्रांचेस हैं और किस किस जगह पे हैं। मैंने नेक्स्ट टैब में शायद ओपन भी किया था, ये आपको बता देगा। ठीक है दोस्तों, यहां से जाके आप अपनी ब्रांच देख लें। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात की जाए, अगर एज सैलरी पर्सन लेना चाहता है, सैलरी पर्सन भी ले सकते हैं, बिजनेसमैन भी ले सकते हैं और प्रोफेशनल लोग भी ले सकते हैं। तो अगर सैलरी पर्सन एप्लीकेंट जो है, जो दरख्वास्त गुजार है, उसकी उम्र होनी चाहिए 25 से लेके 65 साल तक। ठीक है, अगर दो बंदे मिलके लोन ले रहे हैं तो उम्र आपकी होनी चाहिए 21 साल से लेके 70 साल के दरमियान। ठीक हो गया दोस्तों, प्राइमरी एप्लीकेंट जो है वो होगा 25 साल से 60 साल और को एप्लीकेंट 21 साल से 70 साल एज अबव, जैसे ऊपर था। तो अब बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जो सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहे हैं और तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनको कितना मिलेगा और किन शराइत पे मिलेगा, और जो बिजनेसमैन है मतलब के कारोबारी लोग हैं, उनको किन शराइत पे मिलेगा और कितनी अमाउंट का मिलेगा। सैलरी पर्सन जो है, पहले सैलरी वालों की बात कर देते हैं, मिनिमम 6 मंथ ऑफ करंट एम्प्लॉय एंड 2 ईयर कॉन्टिन्यूस एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इन द सेम इंडस्ट्री एंड फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पिछले 6 महीने की पेस्लिप होनी चाहिए और आप जिस इदारे में काम कर रहे हैं वहां पे आप गुज़श्ता 2 साल से उनके मुलाजिम हों। ठीक हो गया दोस्तों। अब बिजनेसमैन का क्राइटेरिया देखें तो 3 ईयर्स ऑफ बिजनेस, आपके 3 साल आपके कारोबार को हो गए हों, तो मिनिमम तो उसकी आमदन कितनी होनी चाहिए उस बंदे की। सैलरी वाला पर्सन है तो उसकी 60,000 महीने की आमदन होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिजनेसमैन है, कारोबारी बंदा है, तो उसकी 1 लाख रुपया महाना जो है आमदन होनी चाहिए, और उसके बाद NRP है तो उसकी 80,000 रुपये महाना होनी चाहिए। अगर ये 60,000 रुपये है तो आप टेंशन ना लें, दो बंदे मिलकर भी ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो ये देखें ऊपर इन्होंने दिया हुआ है को एप्लीकेंट भी ले सकते हैं, दो बंदे मिलकर ले सकते हैं अगर आपकी 60,000 नहीं भी है तो, कम है तो। अच्छा, एडिशनल यहां पे आ जाते हैं दोस्तों के क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं इसके लिए। कॉपी ऑफ CNIC कार्ड, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 फोटो यानी के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप जो है वो पूरा फिल करके देना है, बिजली के बिल पिछले 6 महीनों की कॉपियां। ठीक हो गया दोस्तों। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप प्रॉपर्टी रखवाते हैं कर्जे के बदले तो प्रॉपर्टी के सारे जो हैं वो कागजात, अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, जो आपने घर बनाना है उसका पूरा नक्शा तैयार करके उनको देना है, पब्लिक नोटिस, और उसके बाद आपने एक उनके साथ नोटिस भी साइन करना है। फॉर सैलरी पर्सन, तनख्वाहदार तबके के लिए
क्या क्या और चीज़ें होती हैं। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपके जो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स हैं, लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट ऑफ पिछले 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट, डिटेल ऑफ अदर फाइनेंसिंग अलॉन्ग विद इट्स रीपेमेंट, अगर आपके पास कोई और ज़राए हैं कमाई के तो वो भी आपने शो करने हैं। बिजनेसमैन जो है, जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न की पिछले 3 साल की डिटेल्स दिखाने के, हमने इतना टैक्स दिया पिछले 3 सालों के अंदर। अगर कंपनी है तो वो पिछले 12 महीने की अपनी वो भी दिखाएगी, बैंक स्टेटमेंट भी दिखाएगी, और दूसरा कोई और प्रोसेस है तो वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसकी सारी टर्म एंड कंडीशन। अब बात आ जाती है अप्लाई करने की, क्या हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के लिए इसके 2 तरीके हैं, या तो आप बैंक विजिट करें, या दूसरा ये है कि यहाँ पे अप्लाई नाउ की ऑप्शन है, ये देख रहे हैं आप अप्लाई नाउ, यहाँ जमा का निशान था, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे सामने खुल गया। एंटर योर नेम, यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद सेल नंबर, आपने अपना फोन नंबर एंटर करना है, सिटी, अपना शहर का नाम एंटर करना है, ईमेल एड्रेस देना है, और इंटरेस्ट में आपने ये है एक ऑटो फाइनेंस, होम फाइनेंस, आपने होम फाइनेंस पे क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहां से सबमिट कर देना है। सबमिट करने से क्या होगा, ऊपर जरा गौर से पढ़ें तो इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, भाई आपके साथ रब्ता करने की तफसीलात बताएं, एंड आवर रिलेशनशिप ऑफिसर, हमारा जो अफसर है विल कॉन्टेक्ट यू, वो आपसे रब्ता करेगा एंड गाइड यू, और आपको मजीद रास्ता बताएगा हाउ टू ओपन एन अकाउंट, कि आपने कैसे अकाउंट ओपन करवाना है। तो मतलब इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि पहले आपको जाके उस बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। कैसे करवाना पड़ेगा, जो रिलेशनशिप ऑफिसर है जिसके बारे में इन्होंने खुद बताया, वो आपको पूरा गाइड करेगा, खुद बताएगा कि जी हमारा दफ्तर इस जगह पे है, हमारा ऑफिस फलां जगह पे है, या आपको पूरा यानी कि एड्रेस जो है वो गाइड करके बताएगा, और आपने उनके ऑफिस जाके आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, मजीद ये जो शरायत है ये सारी पूरी करेंगे। पूरी करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर, जो 6 महीने का इनका टेन्योर होता है, गिविंग टेन्योर मैक्सिमम जो है, बहुत ज्यादा अगर देर हो जाए तो 6 महीने नहीं तो 2 महीने के अंदर अंदर ये आपको लोन देना स्टार्ट कर देते हैं। और एटीएम एंड ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस देख लें आप लोग, ये देखें जी, और ये आप देखना चाह, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई पुरानी स्कीम है तो बिल्कुल नहीं, दिसंबर 25, 2019 को ये अपडेट हुए, सही है। तो ये आप यहाँ पे देखें, इनकी तमाम ब्रांचेस भी दी हुई हैं, एटीएम ब्रांचेस, ब्रांचेस एंड एटीएम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्रांचेस और एटीएम दोनों इकट्ठी मिलेंगी। ये देखें, ये शहर के लिहाज से भी आप सर्च कर सकते हैं, सिंध में और कराची में करके आप सर्च पे क्लिक करें तो आपके सामने आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब, यहाँ पे मैं रावलपिंडी सिलेक्ट करके, या फॉर एग्जाम्पल अटक सिलेक्ट करके सर्च करता हूँ तो ये मुझे उस एरिया ही दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने इलाके के अंदर, अपने शहर के अंदर ब्रांच इजीली ढूंढ सकते हैं कि आपके शहर में किस जगह पे ब्रांच है, तो वो आपको सारा उसका एड्रेस समझा देगा। ये देखें, ये ब्रांच निकला, ये अभी इसका एड्रेस मेरे सामने वो शो कर देगा, तो आप ब्रांच यहां से भी ढूंढ सकते हैं। नहीं ढूंढने पा रही, नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, आपसे बैंक का बंदा खुद ही रब्ता कर लेगा और आपको मजीद गाइड कर देगा इस हवाले से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और होप्स हो कि आप लोगों को इंशाल्लाह यहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल होगा। और जो दोस्त मेरी वीडियोस देखते हैं, एक तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और दूसरा उनसे मैं ये कहूंगा कि भाई सिर्फ वीडियो देखने की हद तक नहीं, आप खुद भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने में इस मुल्क का हिस्सा बने। और मैं सबसे बेस्ट जो काम है वो यूट्यूबिंग है, यूट्यूबिंग आपको रिकमेंड करूंगा, यूट्यूबिंग स्टार्ट करें। यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए मैंने पूरा कोर्स बनाया, यहां से लेके ये इसकी मैंने 6 क्लासें बनाई हैं, बिल्कुल ये लोग पैसे लेके आपको सिखाते हैं और मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कोर्स बताया। ये कोर्स बनाने के बाद जो मैं अगला कोर्स बनाने जा रहा हूँ कि वीडियो आप बना तो लेते हैं लेकिन फिर वीडियो को एडिट करना मसला होता है, तो वीडियो को एडिट करने के लिए दोस्तों मैं बनाने जा रहा हूँ पूरा वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स, ठीक है,
पूरा वीडियो एडिटिंग का एक कोर्स बनाने जा रहा हूँ एडोब प्रीमियर के ऊपर, जो कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां यूज करती हैं, और इसको सिखाने के लिए सीखने के लिए आपको हजारों रुपए देने पड़ते हैं बाहर की किसी भी जगह पे जाके सीखने के लिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके आखिर तक फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मेरे दोस्तों तक, भाइयों तक, आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो देखने का दोस्तों बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।